हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट, इकोनॉमिक सिंगिंग एंड वर्किंग, सेशन नंबर सेवन, लिसनिंग म्यूजिक एंड वर्किंग। इकोनॉमिक लिसनिंग म्यूजिक एंड वर्किंग क्या होता है? सबसे पहले हम आप आशा करते आप सभी इस कोरोना महाकाल हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं इकोनॉमिक लिसनिंग म्यूजिक एंड वर्किंग। जैसे हम कहते हैं कि लिसनिंग म्यूजिक मतलब गाना सुनना और वर्किंग काम है। यहाँ पे गाना सुनते हुए काम करने में जो मज़ा आता है तो उसकी बात ही अलग है। यानी लिसनिंग म्यूजिक करती रहे और गाना सुनते रहिए, तो जितना अधिक से अधिक आप लिसनिंग म्यूजिक करते हुए वर्किंग करेंगे उसका उतना ही आपका काम में मन लगेगा। और जब काम में मन लगेगा तो काम अच्छे ढंग से होगा, और जब काम अच्छे ढंग से होगा तो उसका प्रोडक्शन भी अच्छे से होगा, और जब प्रोडक्शन जनरेट होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, फिर जब उससे संबंधित एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो फिर इनकम भी जनरेट होगा, जब इनकम जनरेट होगा तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी जनरेट होगा, और जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट होगा फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी जनरेट होगा, फिर जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा तो फिर प्रोडक्शन भी जनरेट होगा, फिर जब प्रोडक्शन जनरेट होगा तो फिर यानी इकोनॉमिक एक साइक्लिक वे में चलेगी। पहले प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ओके मैच, तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक साइक्लिक वे में चलेगी अगर लिसनिंग म्यूजिक और वर्किंग एक साथ होगा। तो यही पे हम लिस्टिंग म्यूजिक और वर्किंग का इकोनॉमिक एस्पेक्ट यही पे कनेक्ट करेंगे कि लिस्टिंग म्यूजिक एंड वर्किंग, इकोनॉमिक लिस्टिंग म्यूजिक एंड वर्किंग का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। ओके मैच, तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक लिस्टिंग म्यूजिक। ओके मैच, अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विशाल भाई मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे, सीख रहे, आगे बढ़ रहे, दिन दूरी रात चौगुनी तरक्की कर रहे, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग्स हु आर रिलेटेड टू यू, बिकॉज ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरी कॉन्फिडेंस जरूर बढ़। और मेरा मानना वीडियो आपके लिए, आपसे मैंने सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदे में साबित हो, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाती, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पॉइल्ड। ओके मैसे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह, फिर किसी ने इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक समझ, या फिर किसी ने टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंश गेन, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार पुनः आपको, आपके पूरी परिवार को, मेरे और मेरे पूरी परिवार संडे की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑलवेज फॉर वेरी हैप्पी संडे टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ मी माय फ्रेंड। ओके माय फ्रेंड, हर हर महादेव, हर हर महादेव।